हाय गाइस, आज आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जैसे फ्यूल पंप की सर्विसिंग कैसे की जाती है। तो भाई वीडियो के आखिर तक बने रहिए और सबसे पहले तो एक सब्सक्राइब कर दे, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर ले और वीडियो पूरा देखना, क्योंकि आपको समझ में आएगा। भाई स्पेशली कभी कभी गाड़ी हमारी रुक जाती है चलते चलते, तो इसका प्रॉब्लम यही हो सकता है कि इसमें कचरा अटका हुआ होगा फ्यूल पंप में, तो गाड़ी इसे एकदम लोड लेती है वो फिर बंद पड़ती है, और लोड लेती है फिर बंद पड़ती है, तो ये भाई डीजल सप्लाई नहीं हो पाता तो इसी के कारण होता है। तो चलिए हम इसको कैसे खोलेंगे और इसको कैसे बिठाएंगे ये पूरा वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप घर पर ही इसको सर्विसिंग कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम ये जो हमने निकाला, ये जो रॉड निकाली है इसको चेक कर लेना आपने, और ये हमने दो बोल्ट खोल के फ्यूल पंप बाहर कर लिया है, तो रॉड तो अच्छी है इसकी, वो हमने वापस डाल दिया। अभी सबसे पहले तो इसको फ्यूल पंप का जो 8 नंबर का नट बोल्ट है इसको 8 नंबर की टी से खोल ले, है ना। अब ये हमारा नट बोल्ट खुल चुका है, अब इसके ऊपर का जो ढक्कन है इसको निकाल ले, और इसके अंदर जो ये काली वाली जो वाइसर दिख रही है अंदर, इसको चेक कर ले भाई कटी हुई तो नहीं है, क्यों लीकेज का प्रॉब्लम रहेगा। अब ये जो अंदर जाली है इसकी फिल्टर, ये भाई ये पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है, और इसमें पूरा अंदर कुछ कण कण लगे हुए हैं ना, तो इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर ले। अब ये देखिए अंदर जो पूरा कचरा लगा हुआ है ना, पूरा जो मिट्टी है इसमें पूरा मिट्टी भरा हुआ है, तो इस कारण से ये गाड़ी एकदम झटके ले रही थी, लोड नहीं ले रही थी। स्टार्ट तो होती थी अच्छी तरीके से, पर अच्छी तरीके से चलती नहीं, चलते चलते रुकना, ऐसा प्रॉब्लम था इसमें। तो भाई ये देखिए इस तरीके का ये कचरा पूरा मिट्टी अटका हुआ है उसमें, है ना। अब इसको क्या करेंगे, हम स्क्रू पेचकस के मदद से, जो स्क्रू चाबी होती है हमारी पेचकस, उसकी मदद से इसको अच्छी तरीके से जो नट बोल्ट है इसके स्क्रू नट ये खोल ले। तो भाई ये अब हमारे स्क्रू खुल चुके हैं पूरे। अब ये देखिए हमने इसका ऊपर का ढांचा निकाल लिया है ना ये। अब ये जो अंदर की जो प्लास्टिक प्लेट है अंदर, उसको निकाल के चेक कर ले भाई अच्छे तरीके से, और इसमें पूरा डीजल से साफ कर लें। अब इसको कैसे खोलेंगे, तो भाई सिंपल सा प्रोसेस है, अंगूठे से इसको अंदर दबाए और थोड़ा घुमा दे इस तरीके से, तो खुल जाएगा। चलिए इसको फिर बताते हैं, इसको हमने वापस फिट कर दिया इसको, अब फिर खोल के बताते हैं आपको। देखिए अंगूठे से दबाना है, थोड़ा घुमाना है, निकल जाएगा ये, क्योंकि भाई इसमें जो स्प्रिंग है अंदर की, ये स्प्रिंग और अंदर जो लॉक आता है इसका वो अटक रखा है इसमें चपटा सा, इसको हम बताएंगे आपको कैसे लॉक होता है ये। तो ये देखिए इसको दबा के बताते हैं, आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए अंदर जो चपटा चपटा दिख रहा है ये लॉक है इसका अंदर। अब इसको अच्छे से डीजल से साफ कर ले, केरोसिन से साफ कर ले। तो वीडियो के आखिरी तक बने रहिए, इसको है ना फिर अच्छे तरीके से फिट कैसे करेंगे वो बताएंगे आपको साफ करने के बाद। तो चलिए दोस्तों, ये हमारा अच्छे तरीके से साफ हो गया है पूरा पार्ट्स। अब हम इसमें इसको फिट कैसे करेंगे, तो इसको अच्छे तरीके से देख ले भाई, हमने जैसे खोला था उसी टाइप में इसको फिर से बिठाना है भाई। इसका खोलने का और फिट करने का सेम प्रोसेस है, तो घबराइएगा नहीं और अच्छे तरीके से घर पे ही खोल ले और घर पे रिपेयर कर ले, क्योंकि भाई गैरेज वाले तो हमें लूटते हैं, वो तो सबको पता ही है ना, तो ये आप घर पे कर सकते हो। तो चलिए इसको फिट करेंगे हम। तो भाई ये जो अंदर नोक है इसको अंदर घुसाए वॉशर के साथ में, अंगूठे से दबाए और थोड़ा सा घुमा दे इसको, अंगूठे इस तरीके से घुमाइए, ये देखिए ये घुमा दिया हमने दबाकर और ये अटक गया अंदर, है ना।
तो भाई इसी तरीके से आप भी कर लेना। अब जो हमारा ऊपर का कैप ये वाला, इसको ये जो इस तरीके से बिठा ले, है ना। अब इसके ऊपर जो हमने खोले थे स्क्रू नट, उनको अच्छी तरीके से कस ले। सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, क्योंकि है ना बहुत से मैकेनिक ऐसे आते हैं भाई जो हमको डरा देते हैं, भाई तेरा ये वो फलाना, तो भाई इसमें कुछ भी नहीं है। और आपको सर्विसिंग करने की तो टेक्निक बता ही दी है, अब इसमें हमें खुला समझ जाता है कि हमको अंदर जो क्या गया है, फिल्टर गया है या जो अंदर का इसका पर्दा गया है कुछ, वो हमें समझ ही जाता है, जो फटा हुआ है दिख जाता है। तो भाई फ्यूल पंप करने का तो बढ़िया तरीका ही, आसान तरीका है पूरा, इसको डरना नहीं, घर पे ही खोल लेना। प्याजो अल्फा इनमें सेम आता है फ्यूल पंप, है ना। ये देखिए जैसे हमने खोला था उस तरीके से हमने वापस फिट कर भी दिया इसको। ये हो गया भाई इसका सर्विसिंग। भाई जाते जाते एक बात याद रखना कि इस फ्यूल पंप को हमने जैसे खोला था उसी टाइप में फिर से इसको बिठाना भी है, है ना। हमने जैसे नट बोल्ट खोले थे वही नट बोल्ट उसी जगह बैठाना है, उसी तरीके से बिठाना है इसको जैसा हमने खोला था। भाई आपको याद ना, जैसे आप भूल जाएंगे, वीडियो को सेव कर लेना ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। तो भाई मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे चैनल पे, और जय हिंद जय भारत।